गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो नाउ विल स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। सो ए बी सी एंड डी, इनको ग्राफ शीट पर हमें प्लॉट करना है। ए जो पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 0। फर्स्ट जो पॉइंट होता है टर्म वो एक्स एक्सिस पर शो होता है, अब्सिसा होता है ये, और सेकेंड इज वाई एक्सिस पर होता है ये ऑर्डिनेट। सो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हमने नंबर्स को शो किया है 1 2 3 4 5, एंड वाई पर भी नंबर्स को ही शो किया है। नाउ ए पॉइंट कहाँ है? 4 एंड 0 पर है, मीन्स एक्स एक्सिस के लिए 4 और वाई एक्सिस का 0। सो ये हो गया ए पॉइंट, यहाँ 4 0। देन बी पॉइंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस का 4 है एंड वाई एक्सिस का 2। सो यहाँ शो होगा ये 4 एंड 2, यहाँ पॉइंट मार्क किया एंड 4 2। देन फिर सी पॉइंट 4 एंड 6 है इसका, इनके कोऑर्डिनेट्स। सो 4 यहाँ एंड वाई एक्सिस का 6 यहाँ है, सो ये सी पॉइंट यहाँ मार्क होगा। देन डी 4 अपसीसा है एंड 2.5 है, सो 2 एंड 3 के बिटवीन में 2.5 यहाँ ऑर्डिनेट, सो ये डी पॉइंट हो जाएगा। नाउ इनको ज्वाइन किया है और ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ। सो ये वन लाइन में ही है, हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं यहाँ से। और अगर हम चेक करें तो इनके जो फर्स्ट अप पॉइंट है अपसीसा, वो सारे 4 ही हैं, इसीलिए ये सेम लाइनिंग पर ही आएंगे। देन सेकेंड P11, Q22 एंड इनको हमें शो करना है। सो यहाँ एक्स एक्सिस के एंड वाई एक्सिस के पॉइंट सिमिलर हैं, सो ये ऐसे शो हो जाएगा 0 एंड यहाँ नंबर्स हैं। देन 1 एंड 1, फिर 2 एंड 2, देन 3 एंड 3 एंड देन 4 एंड 4। PQRS एंड के कोऑर्डिनेट्स राइट किए और ये भी स्ट्रेट लाइन में भी लाइन में ही है। देन फिर सी जो पॉइंट्स है 2 3 5 3 5 5 एंड 2 5, सो इनको हमने यहाँ शो किया है, नंबर्स राइट किए। देन 2 एंड y एक्सिस का 3 के पॉइंट, देन L है 5 एंड 3 यहाँ, देन M 5 एंड 5 और N 2 एंड 5। सो इनको ज्वाइन किया तो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ। सो इसका आंसर नो, द पॉइंट के एलिमेंट नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। देन सेकेंड क्वेश्चन, ड्रो द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स एट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पर पॉइंट्स हैं, देन एक्स एक्सिस पर भी हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं। नाउ हमें ज्वाइन करना है 2 3, सो 2 x एक्सिस का एंड 3 y एक्सिस का, देन 3 2, सो अपसीसा 3 एंड ऑर्डिनेट इज 2। नाउ इन पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करेंगे और इसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो है वाई एक्सिस पर 0 एंड 5 पर जाकर मिल रही है, और इसी को अगर हम राइट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं सो ये एक्स एक्सिस पर 5 एंड 0 में पर आकर टच हो रही है। सो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वाई एक्सिस के 0 5 एंड एक्स एक्सिस के लिए 5 0। इस तरह से आंसर को राइट करेंगे, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2 मीट्स, ये आगे जाके कहाँ मिलेगी? द एक्स एक्सिस एट 0.50, एक्स एक्सिस के लिए 5 0 पर, मीन्स यहाँ, एंड वाई एक्सिस के लिए 0.05, वो यहाँ है। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर, हमें यहाँ इनके कोऑर्डिनेट्स राइट करना है। सो ये है फिगर। नाउ अगर हम ओ से स्टार्ट करते हैं तो ओ जो पॉइंट है वो ओ एंड ओ, वाई एंड एक्स दोनों का ही ओ पॉइंट है। सो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पॉइंट ओ एंड 0 एंड 0। देन पॉइंट ए, पॉइंट ए यहाँ है, एक्स एक्सिस का 2 एंड y का 0, सो 2 0 हो जाएंगे। देन पॉइंट बी, एक्स एक्सिस अपसीसा 2 एंड y एक्सिस 3। देन फिर पॉइंट सी, एक्स एक्सिस तो हमारा 0 है एंड y एक्सिस इज 3, सो 0 3। देन फिर अगर हम सेकंड फिगर की बात करते हैं, सो पी पॉइंट है अपसीसा 4 एंड ऑर्डिनेट इज 3, क्यू एप्सिसा 6 एंड ऑर्डिनेट इज 1, आर
आपसे सा है सिक्स एंड ऑर्डिनेट इज़ फाइव, एंड एस बी इसी तरह से आपसे सा फोर एंड ऑर्डिनेट इज़ सेवन। सिमिलरली इसी तरह से हम थर्ड वाले फिगर के ऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। देन फिर फोर्थ, ट्रू फॉल्स, ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज़ ज़ीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ नॉन ज़ीरो विल लाई ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट जिनका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, सॉरी यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ नॉन ज़ीरो, सो ये इसका एग्जांपल हो गया पॉइंट सी। सो ये वाई एक्सिस पर ही है पॉइंट सी, सो इसीलिए इसका आंसर ट्रू है कि जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो और वाई कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो होगा तो देन वो जो पॉइंट है वो एक्स वाई एक्सिस पर होगा। देन सेकेंड, ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज़ ज़ीरो एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज़ फाइव विल लाई ऑन वाई एक्सिस। सो वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है और एक्स कोऑर्डिनेट फाइव है तो ये वाई एक्सिस पर नहीं होगा, बिकॉज अगर ग्राफ में बात करते हैं तो एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है वो फाइव है और वाई का ज़ीरो, सो ये वाई एक्सिस पर यहाँ शो हो रहा है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर नहीं है। सो इसका आंसर फॉल्स एंड द पॉइंट विल बी लाई ऑन एक्स एक्सिस। देन थर्ड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ज़ीरो एंड ज़ीरो, सो ओरिजिन हमारा ये पॉइंट होता है ओ और इसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस का ज़ीरो एंड वाई का भी ज़ीरो, सो ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, सो इसका आंसर ट्रू है।